सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। किसानों नूं फसल दे होए नुकसान का मुआवजा देने लई एक्शन विच आई पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों नूं किसानों नाल मुलाकात करने लई कहा, अधिकारी नूं भी दित्ते गिरदावरी जल्द मुकम्मल करन दे निर्देश। चीनी डिप्लोमैट ने दिता वड्डा बयान, कहा भारत चीन सरहद हुण स्थिर, एमरजेंसी कंट्रोल वाली स्थिति खत्म। मानहानी मामले में दोषी के खिलाफ हल्के पटीशन दाखिल करनगे राहुल गांधी, राहुल गांधी अदालत में रहेंगे मौजूद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विसाखी के त्यौहार तो पहला किसानों की फसल के नुकसान का मुआवजा यकीनी बनाने लई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों ते अधिकारियों नूं गिरदावरी की प्रक्रिया में तेजी लियाउण ते किसानों दी समस्यावां दे निबेड़े लई फील्ड के दौरे वधाउण लई कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों नूं किसान नाल मिल के उन्हां दी शिकायतां सुननियां चाहीदियां ने। इसे तरह अधिकारी नूं यकीनी बनाउणा चाहीदा है कि विशेष गिरदावरी जल्दी मुकम्मल की जाए तां जो असीं विसाखी तो पहला मुआवजे की अदायगी कर सकीए। लगातार मीह अते गड़ेमारी कारण फसलों का नुकसान झलन वाले किसानों नाल एकजुटता का इजहार करदे आ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस औखी घड़ी विच अन्नदाता दे नाल खड़ी है। उन्हें कहा कि एक एक पैसे के नुकसान की भरपाई की जाएगी, इस नेक कार्य विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि वह खराब मौसम कारण होए भारी नुकसान कारण किसान भाईचारे नूं दरपेश मुश्किलों तो चंगी तरह जाणू ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बाबत ट्वीट राही भी जानकारी सांझी की है। उन्हें कहा कि अफसर पिंडा विच जाके जल्द गिरदावरी की रिपोर्ट बनाउण। चीन के एक सीनियर डिप्लोमैट ने कहा कि भारत चीन सरहद उत्ते पहलां दी एमरजेंसी कंट्रोल वाली स्थिति हुण बीते समय की गल हो गई है। इस समय सरहद पूरी तरह स्थिर है। भारत में चीनी दूतघर के डिप्टी कौंसलर चेन जियान जून ने पत्रकारों को दसा कि दोवें एशियाई देश कूटनीतिक फौजी चैनलों राही संपर्क बना रहे हैं। उन्हें कहा कि चीनी पक्ष ने हमेशा चीन भारत संबंधों को रणनीतिक लंबे समय के पक्ष तो मनिया। संबंधा में कुछ मुश्किलों ने पर चीन की स्थिति कदे नहीं डगमगाई। उन्हें कहा कि वह इस सेहतमंद स्थिर विकास के राह उत्ते वापस लाने लई वचनबद्ध ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के एक अपराधिक मामले में अपनी दोषी के खिलाफ सूरत की एक अदालत में भलके पटीशन दाखिल करनगे। सूत्रों ने दसा कि अपराधिक मानहानी मामले में 2 साल जेल की सज़ा देने दे हेठली अदालत के आदेश खिलाफ पटीशन दायर किए जाने दौरान राहुल गांधी के सैशन अदालत में मौजूद रहने की संभावना है। कांग्रेस नेता की कानून टीम के एक मैंबर ने दसा कि सोमवार को सूरत की सैशन अदालत में हेठली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पटीशन दायर की जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी अदालत में मौजूद रहेंगे। सिख कौम के महान जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की 300 साल जन्म शताब्दी संबंधी समागम को लेकर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अगवाई दिल्ली विखे विशेष एकत्रता की गई, जिस विच प्रमुख शख्सियतों ने शमूलियत की। शताब्दी का मुख समागम 5 मई को अमृतसर में किया जाना है, जबकि इस तो पहला दिल्ली विखे कई समागम आयोजित किए जाएंगे। इन समागमों संबंधी की गई एकत्रता उपरंत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की 3री जन्म शताब्दी के संबंध में समागम खालसा जाहो जलाल नाल करवाए जाएंगे। उन्होंने समागम के वेरवे सांझे किए। इस मौके श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली इकाई के प्रधान परमजीत सिंह सरना, जागो पार्टी के प्रधान मनजीत सिंह जीके, कुलदीप सिंह भोगल ते कई अहम सिख आगू मौजूद रहे। सिख पंथ के महान जरनैल जिन्हां दियां समय समय सिर शताब्दियां आउंदियां रहिंदियां, पिछे आपां सिंह साहब अकाली फूला सिंह का 200 साल शहीदी वो दिहाड़ा मना के हटे हाँ। हुण पंथ के महान जरनैल सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, उन्हां दा 300 साल शताब्दी आ रही आ। 300 साल शताब्दी के संबंध के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली वालों ते जागो पार्टी दिल्ली वालों रल के एक बड़ा जिहड़ा वो समागमां दी जिहड़ी शुरुआत की जा रही आ, जिहदे विच 16 अप्रैल नूं इत्थे बड़ा एक महान नगर कीर्तन जिहड़ा वो उदण कढ़िया जाऊगा। उहदे नाल फिर 17 तरीक नूं वह कीर्तन दरबार शाम दा रखिया वड्डा, उहदी जिहड़ी जगह आ उह सिलैक्ट कर दित्ती गई आ। उहदा सारा संगतां नूं सारिआं नूं उहदे बारे
सूचित भी किया जाऊगा हरिनगर विखे। 18 तरीक नूं जिहड़ी खालसे दी एक पुरातन विरासत आ खालसाई खेडां, उहदे विच गतका समुचे तौर पर निहंग सिंघां दीआं सरमौर जथेबंदियां वह सारे घोड़सवारी ते नेजेबाजी सारी वह उदन करनगियां। उस तों बाद 20 तरीक नूं फिर जस्सा सिंह जी रामगढ़िया दी पवित्र जात दे विच इत्थों दिल्ली तो महान नगर कीर्तन शुरू होगा, जिहड़ा फिर हरियाणे दे विच ही हुंदा होया करनाल जाऊगा, फिर करनाल तो हुंदा होया पटियाले, तो इस तरह फिर वो लगातार जाके पंजाब की परिक्रमा करता होया 25 मई तक वो जाके उहदी जिहड़ी आ समाप्ति होगी। तो उहदे तहत फिर 5 मई नूं जिहड़ा वड्डा समागम वो महान जरनैल की याद के रखा गया वो मंजी साहब दीवान हाल गुरद्वारा विखे वो उत्थे वड्डा समागम होगा। सिख कौम के इतिहास के और दिल्ली के इतिहास के पहली बार इतनी वड्डी मीटिंग श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हुई है और इन्होंने जो माण सत्कार दिल्ली के सिखा का किया सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया तो बाबा बघेल सिंह का किया जिन्होंने ये लाल किले फतेह किया, असी इन्हों के ऋणी हाँ और दिल्ली के सिखा बेनती करांगे ये जितने भी प्रोग्राम दसे गए उन्होंने वध चढ़ के हिस्सा लैन। अगर उस दिन उन्होंने कोई अपने कामों काजों तो छुट्टी भी लैनी पैंदी है, छुट्टी लैके आके उस महान जरनैल सर जस्सा सिंह रामगढ़िया अपनी श्रद्धा ते सत्कार भेट करन। मैं समझदा कि जिदा सरना साहब ने कहा कि SGPC के प्रधान साहब और सारी टीम के नाल आके जिहो जी मीटिंग अज जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की 300 साल जन्म शताब्दी लई होई है, मैं समझदा कि यह पहली दफ़ा असी फतेह दिवस बनाए सीगे। लाल किले का इतिहास दस्या 30 हज़ारी का होवे, मोरी गेट का होवे, पुल मिठाई का होवे और ये जान बूझ के सरकारां ने लाल किले के इतिहास सिख जरनैलों का भावें जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जी, तारा सिंह केबा जी, महा सिंह शुकर चकिया जी, बाबा बघेल सिंह जी, ये इतिहास अज भी पाड़न तैयार नहीं ने। लेकिन मैं समझदा जो तो कौम रल के सारे असी मना रहे हैं, सारिया जथेबंदियां रल के मना रही ने और जिस तरीके प्रधान साहब धामी साहब ने एडवोकेट साहब ने तुम्हें प्रोग्राम दिते ने 18, 19, 20 दे, मैं समझदा वा कि मजबूर कर देंगे सरकार नूं कि लाल किले के इतिहास के सिख जरनैलों का इतिहास लिखन जिहड़े मुगलों की जड़ पट के और उत्थों की सिल पट के गुरु गुरद्वारा श्री दरबार साहब गुरु के चरणों जाके सुटिया सी ये तखत पट के, क्योंकि गुरु साहब ने कहा सीगा दसम पिता ने जदों छोटे साहबजाद की नीह चुनन की गल आई सी उन्हां तीर नाल पौधा पटिया सी और आख्या सीगा कि मुगल राज की हुण जड़ पट्टी गई और सिख जरनैलों ने करके दिखाया सी इतिहास लोगों अगे लैके आवांगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट धामी साहब अज इत्थे जिहड़ी फाइनल मीटिंग सी उह करन वास्ते आए हैं, क्योंकि जस्सा सिंह रामगढ़िया की जो शताब्दी असी दिल्ली विच मनावांगे और उस तो बाद जिहड़ी नगर कीर्तन है वो जाएगा अमृतसर नाल रवाना होएगा 18, 19, 20 नूं इत्थे दिल्ली विच प्रोग्राम होणगे। मैं एक बार फिर धामी साहब का भी धन्यवाद करदा और सरदार परमजीत सिंह सरना ते सरदार मनजीत सिंह और दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो इत्थे मैंबर साहबान आए थे उन्हां दा भी कि ये जो यात्रा जा रही है ये सारे हिस्सा लैन, यात्रा 18, 19 ते 20 नूं कढ़ी जाएगी। महाराजा सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के 300 साल जन्म शताब्दी समर्पित सरदार परमजीत सिंह सरना की प्रधानगी ऑल इंडिया रामगढ़िया विश्वकर्मा फैडरेशन के सहयोग नाल नवी दिल्ली में सिख बंधु वैलफेयर ट्रस्ट अवार्ड समारोह करवाई गई, जिस विच मुख मेहमान वजो श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने शिरकत की अते पतवंतियां नूं सन्मानित किया। इस मौके विशेष मेहमान वजो अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने शिरकत की। इस मौके बीबी रणजीत कौर, संस्था के प्रधान सुखदेव सिंह रियात, सिख बंधु वैलफेयर ट्रस्ट के प्रधान जसविंदर सिंह रियात, ट्रस्टी जसपाल सिंह रियात, खजानची नरेंद्र सिंह रियात ने भी शमूलियत की। इस मौके अपने संबोधन में सुखबीर सिंह बादल ने संस्था वालों किए उपराले की शलाघा की है। सिख पंथ लई खुशी का बहुत वड्डा मुकाम है कि अज कौम अपनी कौम महान जरनैल महाराजा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया 300 साल जन्म शताब्दी मनाने लई बड़े उत्साह नाल बड़े जोश नाल तैयारियां कर रही है। गुरु की साध संगत
अज जदों असीं महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी नूं याद कर रहे हाँ तां सानूं कुछ गल्लां दा जरूर पता होना चाहिए है कि जिस तखत तो गुरु तेग बहादुर साहब भाई मतीदास भाई सतीदास भाई दयाला जी नूं शहीद करन दे फरमान जारी किए गए सन उस तख्ते तो उसनों पुट के लाल किले उत्ते केसरी निशान चुला के अते सब तो वड्डी जो गल उन्होंने की कि दिल्ली विच गुरु नानक देव जी महाराज गुरु हरकिशन साहब गुरु हरगोबिंद साहब गुरु तेग बहादुर साहब अते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां सारिया इतिहासक पिद्धर निशानियां और धर्म स्थानां दी निशानदेही करके जो गुरद्वारा सतीस ग्रंथ साहब बगला साहब गुरद्वारा मोतीबाग साहब गुरद्वारा गुरु नानक प्याओ गुरद्वारा मजदूर का टिल्ला फिर बंदा सिंह बहादुर की मैरोली च यादगार ये सारिया थावां दी निशानदेही महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने अपने साथी जरनैलों नाल जस्सा सिंह जी आलूवालिया जथेदार बघेल सिंह जी अते बाकी जिन्हें जरनैल सन इन्होंने सब तो ज़्यादा पहल दी सतगुरु जी के पवित्र अस्थानों लभ के उत्थे अपने इतिहासक अस्थान पवित्र गुरुधाम उन्होंने तैयार करवाए। दूसरी गल उन्होंने जो हीरा सिंह जी गाबड़िया ने साडे दिलों टुमन वाली जो शिली आवाज़ में सानू जस्सा सिंह जी की विरासत बारे दसिया है मैं एक गल सुखबीर सिंह जी बादल नूं कहांगा कि एक कितनी वड्डी गल है कि सिखां दे सब तो वड्डे धर्म अस्थान श्री हरिमंदर साहब उस दी परिक्रमा विच रामगढ़िया बुंगे का स्थापित होना इस तो वड्डी कोई किसी जरनैल की देन नहीं हो सकती कि सारा खालसा पंथ उन्होंने महान सुरवीरता प्रणाम करके श्री दरबार साहब की परिक्रमा में रामगढ़िया बुंगे को सवाईमान किया है। बादल साहब तुहाडे करन वाला जो कम है इस शताब्दी उत्ते कि रामगढ़िया बुंगे की एंट्री को सौखा बनाया जाए ता जो हरिमंदर साहब जाने वाले हर गुरु के सिख नूं रामगढ़िया बुंगे च जाके महाराजा जस्सा सिंह जी अते उन्हां दे साथी जरनैलों की जो खालसा पंथ नूं देण है उसनों ऐसे सुंदर ढंग नाल उत्थे प्रदर्शित करो कि हर गुरु का सिख हरिमंदर साहब जाने वाला हर शिरदा रामगढ़िया बुंगे विच भी जरूर जाए। हर साल सिख बंधु वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सरदार सुखदेव सिंह रिया जी एक अवार्ड फंक्शन करते हैं जिथे वक् वक् फील्डां च जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया कौम खातर देश खातर इंसानियत खातर उन्होंने रिकनाइज करते हैं तो अवार्ड देंगे है। मैं उन्होंने तो उन्होंने समुची टीम को बधाई देना चाहना है क्योंकि जे जो भी इंसान कोई चंगा काम करता है उन्हें रेकग्नेशन देनी बहुत जरूरी है। आज स्टेज पे दिल्ली के समुचे खालसा पंथ की लीडरशिप बैठी है ते दिल्ली तो दिल्ली के बाहर के शहर चो पतवंते सज्जन आए हैं कई विचारां होईयां महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की 300 साल शताब्दी के संबंध में उन्होंने इतिहास बारे बड़िया विचारां कीतियां गईयां। मैं डिटेल विच उन्हां च नहीं जाऊँगा पर इन्ना कहना चाहना है जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं याद रखदियां है उही कौमां चढ़दी कला च रहिंदियां बोले पर हो की रहा जिहड़ी नवी जनरेशन नवी पीढ़ी जिहड़ी अपनी आ रही है वह इतिहास तरफ इतिहास के पन्नियां नूं पढ़न तरफ जांदी नहीं हौली हौली आ चीज़ां भुलियां जा रही हैं। हीरा महल नाभा विखे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 324 साल पुराने वस्त्र ते शस्त्र सिख संगत के दर्शनों लिए रखे गए हैं। ये निशानियां 15 पीढ़ियों तो एक परिवार ने संभाल के रखी हुई ने।
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਬਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ MLA ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਭਾ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 324 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ 324 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਮਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਲਈ ਵਾਰਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੋਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤ ਛੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਾਭਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਸੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਰਡ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ, ਕੁਝ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਐਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਕਾਤਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਤ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
जिस विच मंगाली वाले पुल उत्ते धरना दे रहे 63 व्यक्तियों उपर दर्ज होए पुलिस मुकदमे नूं रद्द करवाउण संबंधी विचार वटांदरे कीते गए। इस उपरांत आगुआं वल्लों पुलिस प्रशासन नूं मीटिंग लई अपील कीती गई ते बाद विच सिख जथेबंदी दी इक मीटिंग पुलिस अधिकारी नाल होई। इस मौके श्रोमणी कमेटी मैंबर भगवंत सियालका सिंह साहिब, भाई जसवीर सिंह रोडे, साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब अते होर आगू मौजूद रहे। इन आगुआं ने कहा कि जथेबंदियों के आगुआं ते पुलिस प्रशासन की बैठक चंगे माहौल विच होई है ते उम्मीद की जाती है कि जल्द ही ये परचे रद्द किए जाएंगे ते फड़िया गड्डिया बहाल कीतियां जाएंगियां। पटियाला पुलिस वालों गैंगस्टर खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन विच पुलिस को उस वेले वड्डी कामयाबी मिली जदों पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार उत्ते एक हथियारबंद नौजवान को गिरफ्तार किया जिस कोलों असला ते 70 ग्राम हैरन बरामद की गई है। इस मौके SSP पटियाला वरुण शर्मा ने कहा कि फड़े गए गैंगस्टर की शिनाख्त तेजेंद्र सिंह उर्फ तेजी वजों हुई है जिस उपर लुट खोहां समेत होर कई अहम मामले दर्ज ने। SP सिटी सरफराज आलम, DSP रूरल गुरदेव धालीवाल, SHO सदर पटियाला कुलविंदर सिंह, इंचार्ज चौंकी पुनरेड़ी लवदीप की टीम ने एक जड़ा कुख्यात अपराधी अरेस्ट किया ते उदे तो भी सानू एक जड़ा पिस्टल भी बरामद होया आ ते 70 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है। 2 गड्डियां भी रिकवर कीतियां ने, 3 कारतूस रिकवर हुए है। ये भी एक मतलब नोटोरियस क्रिमिनल है जिसे पहला भी 2 मुकदमे जोड़े आर्म्स एक्ट के उस सरहंद एरिए दर्ज ने ते एक बस्सी पठाने च मर्डर होया 2021 च कतल होया बस्सी पठाने फतेहगढ़ साहब के एरिए ते उत्थे भी उस केस च भी ये वॉन्टेड सीगा। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि भाई अमृतपाल सिंह के बहाने पंजाब नूं बदनाम किया जा रहा है। उन्हें कहा कि पंजाब विच केंद्रीय सुरक्षा बलों की आमद का वधना सही नहीं है क्योंकि इस नाल पंजाब उत्ते कर्जे का बोझ भी बढ़ रहा है। देखो मैं समझदा कि अमृतपाल का नाम लैके पंजाब नूं बदनाम किया जा रहा, पंजाब नूं भयभीत किया जा रहा, पंजाब का बाहर देश ते दुनिया विच गलत अक्स पाया जा रहा, एक साजिश दे तहत जिहड़ा माण गौरव पंजाब ने किसान संघर्ष कट्टिया सी जां इह कह लो करोना महामारी के दौर दुनिया भर के जिहड़ा नाम बनाया सी उहनूं किते ना किते साजिशी तरीके नाल सट मारन दा यतन हो रहा। पंजाब पुलिस नूं तां बाहरले सूबे बुलाउंदे ने ला एंड आर्डर की स्थिति से काबू कर ली, ये पंजाब पुलिस से भरोसा छड के ये CRPF अर्धसैनिक बल मंग के मुख्यमंत्री साहब केंद्र तो आ गई तो पंजाब के सिर पहले ही बड़ा बड़ा कर्जा 3 लाख करोड़ तो उत्ते 3.5 लाख करोड़ होया पाया तो ये होर खर्चा सिहड़ के आ गए। मैं समझदा कि ये जरा हो रहा सिर्फ केवल तो केवल ही पंजाब बदनाम हो रहा, पंजाब के विकास में रुकावट आ रही है, कोई पंजाब वाल इनवैसटर जरा मूँह करने तैयार नहीं है तो अपने पैर आप कुहाड़ा मार के आए मुख्यमंत्री साहब, अपने घर में आप लांबू ला के आए, पंजाब नूं बदनाम करके आए तो नाले पंजाब ते मना मुही करजे की पंड जी छेड़ के आए। गढ़शंकर नंगल रोड की सड़क पिछले लंबे समय तो सरकारी अणदेखी कारण लोगों दी कीमती जाना निगल रही है। बीते दिन पए मीह के कारण सड़क उत्ते पए टोयां विच पानी भरन कारण राहगीरां नूं वड्डी परेशानी झलनी पै रही है ते लगातार छोटे वड्डे हादसे वापर रहे ने। गढ़शंकर नंगल रोड की सड़क नूं लैके वख-वख समें उत्ते लोग आवाज़ चुकते रहे ते सियासी पार्टियां अगे गुहार लगाउंदे रहे ने। दूजे पासे सरकार दे नुमाइंदे वल्लों सड़क बनाउण लई नींह पत्थर रख्या गया पर जमीनी पद्धर उत्ते सड़क का काम शुरू ना होण कारण अज वी इह सड़क लोगों लई नरक का सबब बनी हुई है जिसनों लैके लोगों विच सरकार के खिलाफ भारी रोस वेखण नूं मिलिया। लोगों का कहना है कि सरकार नूं सड़क जल्द बना के देनी चाहिए है। देखो नंगल रोड की गल इदा है ना कि इस वेले का बहुत ही ज़्यादा माड़ी हालत आ। यह रोड जिहड़ा है ना एक 2 स्टेटां नूं जोड़दा जिथे कि एक धार्मिक स्थानां नूं भी नाल जोड़दा आ। लगभग तुसीं पंजाब दा जिन्ना भी एरिया कह लो जो भी इधर इस वेले बाबा बालक नाथ दा अजकल चाला चल रहा उधर नूं जाना जां हिमाचल नूं जाना तां यही रोड लिंक हुंदा आ और इसे रोड तो जांदा आ ते आवाजाई भी बहुत ज़्यादा इस रोड के उत्ते। पर इत्थे तुसीं देख सकदे हो ना कि टोए एडे एडे आ कि असीं तां लोकल बंदे आ सानूं तां पता कि इत्थे टोए आ पर जिहड़े लोग बेचारे दूरों बंदे आते हैं ना उन्हां नूं यही नहीं पता लगता कि 2 दिन बारिश हुई है कि टोआ कित्थे आ और सड़क कित्थे आ और इन्नी ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को आन जाने के 2-3 दिन हो गए सानूं देखदे नूं असीं लोकल इत्थे रहिंदे आ कि लोग टोए दे विच इदां आ के डिगदे आ जिद्दां आप छाल मारदे हुंदे आ उन्हां नूं इन्ना ही नहीं जजमेंट हुंदी कि टोआ वाकई इन्ने इन्ने वड्डे टोए आ।
असं चाहते हैं कि सरकार को इहदे वल थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। साहिबजादा जुझार सिंह नगर वैलफेयर सुसायटी पटियाला वालों एक अहम समागम करवाया गया जिस विच मोहल्ले के बजुर्गों को सन्मानित किया गया। इस सन्मान समारोह में मुख मेहमान वजों कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के सपुत्र एडवोकेट राहुल सैणी ने शिरकत की। इस समारोह में विशेष मेहमान के तौर उत्ते आदित्य उपल कमिश्नर नगर निगम इंजीनियर रमनदीप सिंह बैंस कार्यकारी इंजीनियर इरीगेशन ड्रेन विभाग और दिलीप कुमार कार्यकारी इंजीनियर नगर निगम पटियाला भी पहुंचे। इन्हों तो इलावा सत्कारयोग मोहल्ला वासी आम आदमी पार्टी के वख-वख अहुदेदार भी पहुंचे। इस समारोह में बजुर्गों को सन्मान चिन्ह एक गर्म लोई या शॉल दे के सन्मानित किया गया। इस समागम के दौरान राहुल सैणी ने एक्सटेंशन वाले पार्क का नींह पत्थर रखा जिस में बजुर्गों लिए हल्कियां फुल्कियां मशीनां भाव मल्टी जिम और बच्चों लिए झूले लगाए जाएंगे। इस समारोह में नेपरे चाढ़ने लिए सुसायटी के अहुदेदार प्रितपाल सिंह भंडारी प्रधान धर्मवीर शर्मा एन के जौली कमल शर्मा गुरमुख सिंह अनूप कुमार जतेंद्रपाल सिंह फौजी और होरना ने भरपूर योगदान पाया। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल नहीं जाते नज़र मारद मौसम के हाल से बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के धन्यवाद।